की ओर आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया था और उन्होंने केंद्र सरकार के साथ जाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये वक्त जो है वो राजनीति करने का नहीं है, इसलिए हम एकजुट होकर पूरे देश एकजुट होकर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का समय है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर अब घेरना शुरू कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को एकजुट होकर, राजनीतिक दलों को एकजुट होकर फैसला लेने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि केंद्र सरकार चीन के मामले में जो भी फैसला लेगी, बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर यह राजनीति करने का समय नहीं है, हम एकजुट होकर ही इस लड़ाई से पार पा सकते हैं।